डेल्फिक डायलॉग के प्रथम सत्र यानी प्रथम सेशन में आप सभी का स्वागत है। यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म में सारी चीज़ें, उसमें कला थी, उसमें स्पोर्ट्स भी था और उसमें एजुकेशन भी था। उन सारी चीज़ों को जोड़ा ताकि लोग जिनको जिनके अंदर कला है उनकी कला निकल के बाहर आए और जिनको कला पसंद है वो देख सकें। तो वहाँ से शुरू हुई हमारी हिस्ट्री 2,500 साल पहले और उसकी काफ़ी लंबी जर्नी रही है। और अब आके इस मॉडर्न मॉडर्न एरा में, आज की तारीख में, यानी कि 27 साल पहले वापस डिस्कवर हुआ, क्योंकि इस ज़माने में इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, इसको वापस रिवाइव किया गया। और फिलाडेल्फिया गेम्स जो है ओलंपिक गेम्स के जैसा ही है, फ़र्क यह है कि वहाँ स्पोर्ट्स है, वहाँ खेल कूद है और यहाँ पे सिर्फ कला और संस्कृति की प्रदर्शन है। तो मिस्टर बिजेंद्र गोयल हैं हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो जी, इंडिया में इस मूवमेंट को उन्होंने स्टार्ट किया। और देश में करीब 22 राज्यों में डेल्फिक काउंसिल्स बन चुके हैं। 22 राज्यों में काफ़ी लोग, चाहे वो कलाकार हों, चाहे कला के प्रेमी हों, चाहे वो चाहे अफसर हों जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस रखते हों, चाहे अलग अलग किस्म के जो स्टेक होल्डर जिसको आप कहते हैं, जो अलग अलग विभिन्न लोग होते हैं जो पूरी पूरी की पूरी इकोसिस्टम बनाते हैं, वो सब अभी जुड़ रहे हैं। जाने आने वाले समय में काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, काफ़ी कलाकारों को फ़ायदा होगा, काफ़ी कला प्रेमियों को फ़ायदा होगा और इससे हमारे एक माहौल बनेगी। क्योंकि जब कला दो कलाकार मिलते हैं तो कभी भी अच्छी चीज़ें ही होती हैं, जब कला प्रेमी और कलाकार मिलते हैं तो भी अच्छी चीज़ें ही होती है। हमारे मूवमेंट के जरिए हारमोनी जिसको हम कहते हैं, जो एक अमन और प्रेम की भावना है, वो आर्ट्स के थ्रू हम लाए। वो आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि ना केवल राजस्थान में पर मेरे ख्याल से अन्य राज्यों में भी ये पहला है जो एक फॉर्मल डेल्फिक की तरफ से आयोजित हो रहा है और हमारा पहला प्रयास है, तो इसमें हम सबका सपोर्ट और सहयोग चाहेंगे। जो फुरकान जी ने अभी पूछा मेरे से, जब मुझे पहले हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है बिजेन गोयल जी, उनका फोन आया, उन्होंने मेरे से चर्चा की, तो आप सभी की तरह मेरे को भी बहुत ज्यादा डेल्फिक के बारे में कोई ज्ञान था नहीं। तो जब उन्होंने मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स भेजे, मैंने उसका अध्ययन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये राजस्थान के लिए इतनी एक अच्छी चीज हो सकती है, अच्छा फोरम हो सकता है, क्योंकि मैं मानती हूँ और इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ राजस्थान में, इसकी जो लोक संस्कृति है, इसकी कलाएं हैं और कई तरह के इसमें क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स भी हैं, जो मुझे लगता है कुछ तो बहुत अच्छा एक्सपोजर उनका हो चुका है नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे और कुछ का उतना नहीं हो हुआ है। कुछ ऐसी कलाएं हैं जो कि डाइंग आर्ट्स के कैटेगरी में आती हैं, तो उनको अगर प्रोत्साहन ना मिले, उनकी शोकेसिंग ना हो, तो कहीं वो लुप्त हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा एक ऐसा फोरम है जिसमें राजस्थान को हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ जो लोगों की धारणाएं हैं, जो उनकी मानसिकता है, वो एक कला प्रेमी की है, वो हमेशा ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से हमारा आर्ट एंड कल्चर जो स्टेट का है उसको कैसे प्रोत्साहित किया जा सके। तो मेरी तो यही मंशा थी, इच्छा थी, और मुझे ऐसा लगता है कि सबके सहयोग से हम बहुत आगे जाएंगे और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट बिजेन गोयल जी हैं, वो हमारी खुशकिस्मती रही कि हमारे पहली मीटिंग में वो हमारे साथ आए, तो हमें अच्छा उनका मार्गदर्शन भी मिला, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पर जो कलाकार स्वयं हैं, उनके जो एक क्रिएटिविटी है उसको पनपने का मौका हमें देना चाहिए। एज एडमिनिस्ट्रेटर रोल हमारा ये होना चाहिए, जो हमारे देश का या हमारे प्रदेश का सबसे अच्छा है उसको हम प्रदर्शित करें, शोकेस करें, और जो अन्य जगह हो रही हैं चीजें वो हम यहाँ लोगों को दिखाएं, उनको एक्सपोज करें, खास तौर पे बच्चों को सिखाएं कि अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में क्या संस्कृति है, किस तरह की कलाएं, हमसे लोग भिन्न होते हुए भी किस तरह एक हमारे से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत कला एक अच्छा माध्यम होता है लोगों को जोड़ने का। जो प्रसन्ना जी अभी बता रहे थे कि ये गेम्स की शुरुआत इसी हिसाब से हुई होगी, जो गेम शब्द का मूल अर्थ है एक मनोरंजन, ना कि प्रतिस्पर्धा। तो जब मनोरंजन की दृष्टि से हम देखते हैं तो ये एक ऐसा मंच रहा होगा ऐतिहासिक हम देखें तो, जहां पर लोग एकजुट हुए होंगे कि अपना सारा
जो भी द्वेष है भाव है वो भूल के एक मनोरंजन के लिए जुड़ते होंगे, तो एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती होगी। जो एक नेशनल काउंसिल का विजन है कि हमारे हिंदुस्तान में ये डेल्फिक मूवमेंट बढ़े, हर राज्य में बढ़े, क्योंकि सभी देशों में केवल ये एक ही देश है जहां पर एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। हर प्रदेश में एक स्टेट का डेल्फिक काउंसिल बन रहा है और ये एक पिरामिड जैसा काम करेगा। और जो विजन है वो है कि 10 दिनों में हम इस मुकाम पे पहुंच जाएं कि हमारे यहाँ भी डेल्फिक गेम्स ऑर्गेनाइज हो। पर वो ऑर्गेनाइज होने के पहले जो ग्राउंड वर्क की आवश्यकता है, जो एक माहौल बनाने की आवश्यकता है, लोगों में एकता लाने की आवश्यकता है, वो ग्राउंड वर्क हम सब लोग मिलकर कर पाए, यही मेरी इच्छा है। और इसी तरफ डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान अग्रसर होगा। पर वो करते हुए हमें वो विजन नहीं खोना चाहिए कि किसी ना किसी दिन हम उस स्तर पर पहुंच पाए कि हम डेल्फिक गेम्स में ना केवल पार्टिसिपेट करें पर हमारे यहाँ भी डेल्फिक गेम्स का आयोजन हम कर पाए। कि राजस्थान के अंदर ऐसी कोई विधा, जैसे डेल्फिक गेम के 6 जो हमारे पास अलग अलग आर्ट्स हैं, प्रत्येक विधा के अंदर, प्रत्येक आर्ट के अंदर आप सिर्फ नाम बोलिए, हमें वहां काम करने वाले लोग मिलेंगे। हमें यहाँ अगर सोने का ठेवा कला का काम करने वाले लोग हैं तो ब्लू पोटरी वाले लोग हैं, कठपुतली वाले लोग हैं तो हमारे स्कल्पचरिस्ट जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेखन की अगर हम बात करें, हम सिर्फ लोक संगीत क्यों, मैं शास्त्रीय संगीत की भी अगर अगर बात करना चाहता हूँ या नृत्य की बात करना चाहता हूँ तो कथक से शुरू, जयपुर घराना अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास समेट के बैठा है। तो पहले आगामी 4-5 महीनों में हम अपना जो डीसीआर का विस्तार है वो पूरी काउंसिल के माध्यम से, एग्जीक्यूटिव बॉडी के माध्यम से और जो INDC के बायलॉज हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हुए हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इस काउंसिल को लेके जाना चाहेंगे। उसके लिए जो सुटेबल कैंडिडेटर है, जो विलिंग लोग हैं, जिनमें पोटेंशियल है, एंथुजियाज्म है काम करने का, उन लोगों को लाएंगे संगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि 5-4-5 महीनों में हम कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल की कुछ काउंसिल और कुछ डेल्फिक क्लब तक पहुंच पाए। कलाकार एक प्लेटफॉर्म की तलाश करता है जहाँ पे वो अपनी कला को प्रदर्शित कर सके, तो वो एक चीज राजस्थान में जो मुझे लगा शुरू से मिसिंग है। और बेसिकली यही सोच करके मैं वापस जयपुर आया था और मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे एक्टिंग स्कूल शुरू करूंगा, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी थी वो अब यहाँ लोगों को फेस ना करनी पड़े। तो यही मेरे मेरी सोच थी कि जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का, सबसे बड़ा मुझे जो लगता है कि जो मेरी तरह जो लोग बॉम्बे नहीं जा पाते या जो अपनी किसी भी आर्ट फॉर्म को एक प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। एंड ट्रस्ट यू मी सर कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अपना अगर कहीं भी बाहर जाते हैं तो अपना बेस शिफ्ट जब करते हैं, क्योंकि आप अपना काफी वक्त अपनी पढ़ाई जब एक राजस्थान जैसे शहर प्रदेश में करते हैं, तो जब आप बॉम्बे जाते हैं या किसी और स्टेट में जाते हैं या किसी और शहर में जाते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश योरसेल्फ, क्योंकि आपको वहाँ कोई भी नहीं जानता है और मौका भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत सही डायरेक्शन है जो यहाँ के मेरी तरह जो आर्टिस्ट हैं उनको एक मौका मिल सके। तो मुझे लगता है कि ये डेल्फिक विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सब जो आर्ट फॉर्म्स हैं जो लुप्त हो रही हैं या जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो उनको प्रोवाइड करने के लिए। आज डेल्फिक डायलॉग्स का पहला सेशन था। हर हफ्ते सैटरडे को शाम ये सेशन हुआ करेगा और जो नेक्स्ट सेशन शेड्यूल है वो 7 तारीख को है, जिसमें कथक के ऊपर बातचीत की जाएगी। 14 तारीख को जो सेशन है उसके अंदर बात की जाएगी, क्योंकि 15 अगस्त की पहले वो पूर्व संध्या है तो हम रियासतों का जो एकीकरण हुआ है उस पर बातचीत करेंगे। इसी तरह 21 तारीख को, 21 अगस्त को सुवनकर विश्वास जी और मंडल साहब का एक डिस्प्ले है, उनके विजुअल आर्ट पे जो काम है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया जाएगा। फिर 28 तारीख को जो हमारा फोक प्ले होता है, जिसे हम लोक नाट्य कहते हैं, उसके ऊपर टॉक रखी गई, जिसमें कि अच्छे अच्छे हम इनवाइट किया हुआ है।